पटरी ग्राम पंचायत के खंता इलाके में रविवार की देर शाम गश्त पर निकले वन कर्मियों पर अवैध खनन के आरोपियों ने हमला बोल दिया, जिसमें दो वन कर्मी, वन दरोगा और वन रक्षक घायल हो गए। आपको बता दें कि वन कर्मियों ने अवैध खनन की बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, तो इस दौरान दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। वन दरोगा के सिर में गंभीर चोट के चलते उन्हें म्योरपुर सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के पटरी ग्राम पंचायत के खंता में वन कर्मियों को वन क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली रविवार की रात। जब वन दरोगा बिजेंद्र कुमार और वन रक्षक साजिद हुसैन खंता गांव पहुंचे तो उन्हें एक अवैध खनन की बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दी। जब वन कर्मी ट्रैक्टर ट्रॉली को रेंज कार्यालय ला रहे थे तो गांव में ही दबंग ग्रामीणों ने उन्हें घेर कर पिटाई शुरू कर दी। इस हमले में दोनों वन कर्मी घायल हो गए। दोनों किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागे। वन रक्षक को तो मामूली चोटें आई हैं, लेकिन वन दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वन रक्षक का कहना है कि दबंगों ने उनके पैर, पैसे और मोबाइल भी छीन लिए हैं। दोनों ही घायल वन कर्मियों को म्योरपुर सीएससी लाया गया है, जहां वन रक्षक की हालत तो ठीक बताई जा रही है, लेकिन वन दरोगा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वन दरोगा को म्योरपुर सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस मामले में वन क्षेत्रीय अधिकारी शहजाद स्माइलुद्दीन ने बताया कि 5 नामजद व 15 अज्ञात के विरुद्ध थाने में तहरीर दे दी गई है तथा वन विभाग ने भी मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के दरोगा व वन रक्षक पर मारपीट करने वालों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन, वन रक्षक। एक कैसे आज लड़ाई झगड़ा हुआ है ग्रामीणों से? हम खंता गए थे, खंता में ट्रैक्टर था बालू का लगा हुआ अवैध रूप से, उसको हम ला रहे थे। ट्रैक्टर मालिक साथ में था, रास्ते में आगे एक महेंद्र यादव का घर पड़ता है, वहाँ पर महेंद्र यादव ने अपनी गाड़ी रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। वहाँ झगड़ा के मोड में सब मतलब 50 जने थे, औरत भी थी, जिनसे हमारे दरोगा जी ने हमने समझाया कि जाने दो गाड़ी, मगर नहीं माने कोई। उसके बाद हमारे दरोगा जी को मारे लेडीज लोग और महेंद्र यादव और महेंद्र के भाई और जिसका ट्रैक्टर था वे लोग भी। फिर हम बचाने गए तो हमें भी मारे। फिर हम वहाँ से अलग को भाग निकले, जानों बड़ी मुश्किलों बची। हमारा मेरा पर्स था, उसमें 50,000 रुपये थे और हमारा फ़ोन छीन लिए हैं, वो पर्स छीन लिए हैं और दरोगा जी का और स्टाफ के भी मतलब मोबाइल वोबाइल सब छीन लिए हैं। कुछ ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के एक दरोगा को आज मार दिया गया था, जिससे उनका सर फट गया था। जी सर, क्या चोट है और क्या स्थिति है उनका? 8 बजे रात के शाम के आसपास आज उनको दो रजे साहब दो लोगों को लाए, एक विजेंद्र कुमार है जो 30 साल के हैं और साजिद हुसैन जो 24 साल के हैं, और विजेंद्र कुमार को सर में चोट आई है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सीटी स्कैन के लिए रेफर भी करेंगे, और साजिद हुसैन को भी चोट आई है, उनको मामूली चोट है, मगर विजेंद्र को चोट सर में चोट आई है, दो टाँके भी लगे हैं उनको। स्थिति क्या है सर? स्थिति अभी तो ठीक लग रही है, मगर सीटी स्कैन की ज़रूरत है, वो जैसे बोल रहे हैं चक्कर आ रहा है उनको, तो हम चाहेंगे कि सीटी स्कैन को तो सही से उनका तो एवलेट कर पाएंगे कि हाँ क्या है नहीं है। अभी तो खतरे से बाहर हैं, फिर भी हम लोग चाहेंगे कि सीटी स्कैन हो जाए, पता चल पाए। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।